नालछा में कुश युवा शक्ति संगठन कुशवाहा समाज नालछा द्वारा लव कुश भगवान की झांकी निकाली गई, जिसमें घोड़े टॉप डीजे गायक कलाकार गुजराती गायक कलाकार विक्रम सिंह चौहान एवं गायिका अनामिका राणा द्वारा भजन की प्रस्तुति दी गई, जिसमें सभी कुशवाहा समाज की महिलाओं ने बालिकाओं द्वारा भगवा पगड़ी बांध कर नथिया गया और अन्य समाज द्वारा जुलूस में शामिल हुए। यात्रा नालछा कुशवाहा समाज धर्मशाला से प्रारंभ होकर नगर भ्रमण कर सोमेश्वर महादेव मंदिर खारी बावड़ी पर लवकुश भगवान की आरती कर समापन किया गया। धार जिले के नालछा से विनीत जी की रिपोर्ट। आपने समाज का कार्यक्रम निकाला, इसमें किस उद्देश्य पे कार्यक्रम निकाला आपने? हमारे आराध्य हमारे भगवान लवकुश का जन्म रक्षाबंधन के दिन हुआ था और उसी तारतम्य में भगवान हमारे लवकुश भगवान को याद करते हुए और हमारे वंशावली जो गौरव इतिहास रहा है भगवान लवकुश से जुड़ा हुआ है और उसी की याद में आज हमने भगवान कुश की यात्रा पूरे नगर में पूरे जोश जुड़ा उल्लास और जुनून के साथ में निकाली। इसमें कुश युवा शक्ति संगठन ने विशेष रूप से युवा साथियों के माध्यम से यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। इसमें प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी हमने इस यात्रा को एक भव्य रूप दिया और सभी समाज के समाजजन इसमें सम्मिलित हुए और पूरे गांव का भी काफ़ी सहयोग मिला और उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप कितने वर्षों से निकाल रहे हैं ये यात्रा? करीब 8-10 वर्षों से निकल रही है। संख्या कितनी थी आपकी यात्रा में? आज संख्या 1500 से 2000 के बीच में आज संख्या इस कार्यक्रम की रही। क्या आपने लवकुश भगवान की जो झांकी निकाली और जुलूस निकाला, इसका क्या उद्देश्य रहा आपका और क्या किस कारण से निकला? भगवान श्री रामचंद्र के पूरे देश में वंशज है और लवकुश भगवान उनके पुत्र है। यहाँ के नालछा नगर के स्वजाति बंधुओं के द्वारा यह आयोजन किया जाता है। लवकुश भगवान के जो मार्ग दिखाया है भगवान श्री राम की परम्परा के रघुकुल को निभाने का संकल्प लेते हैं और पूरे देश में समरसता सामाजिक समरसता बनी रहे और हिंदू धर्म का उत्सव बड़े उत्साह उल्लास के साथ बनता रहे और हम उससे मार्गदर्शन प्राप्त करें, इसलिए यह सामाजिक समरसता की यात्रा रहती है। इसमें पूरे गांव के लोग सम्मिलित होते हैं और इस कार्यक्रम को सफल बनाते हैं।